सीरियल तेनाली रामा में मनी का किरदार निभाने वाले एक्टर सोहित सोनी को आपने बाल्ड लुक में तो देखा ही है। आइए आज हम आपको सोहित सोनी का वो अवतार दिखाते हैं जो शायद ही आपने देखा होगा। हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सोहित सोनी, आपका मनी चारे। जी हाँ, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे। मैं सोहित सोनी, 2015 से ही मैंने बहुत सारे शोज किए हैं। तू मेरा हीरो सीरियल किया है, दिया बाती किया है, चलती का नाम गाड़ी किया है, सब टीवी के लिए। इसमें ज्यादा शोज हैं, स्टार प्लस के लिए भी हैं, क्राइम पेट्रोल में भी नजर आया हूं, और भाभी जी घर पर, मतलब बहुत ही फेवरेट और बहुत ही बड़ा शो है। उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में आप सबको हंसाया है, गुदगुदाया है। लेकिन सब में आपने मुझे हमेशा बालों में देखा होगा, लेकिन 2017 11 जुलाई से आपने तेनाली रामा में मुझे एक नए किरदार में देखा होगा। मनी चारे, धनी मनी करके दो रोल हैं जिसमें मैं मनी हूं आपका। बहुत ही क्लीन, मतलब गंजा हूं, बाल्ड हूं मैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी कहानी जो मैं आप सबके बीच पेश करने आया हूं, बताने आया हूं, ताकि आप लोग भी जाने कि एक एक्टर की लाइफ कैसे होती है। उस टाइम मेरी एज 25 होगी जब मुझे पहला ब्रेक मिला, मतलब बहुत बड़ा ब्रेक, डिफरेंट रोल कि गंजा होना है। तो ये बात मैंने शेयर की अपने दोस्तों से कि मुझे गंजे होने का रोल मिला, तो लोगों ने मना किया कि नहीं यार, गंजे हो जाओगे तो शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, काम नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैरेक्टर का ब्रीफ मिला था मुझे मनी का, वो मुझे बहुत ही दिल को छा गया था, दिल को, मतलब ऐसा दिल कह रहा था कि इसे करना चाहिए। तो एक एक्टर की जो भूख होती है वो कला होती है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें बाल और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर एक्टर दिल से चाहे तो उसके लिए सारी चीजें नहीं, मेरा मानना है, और एक्टरों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। तो दिल थोड़ा सा अजीब सा कर रहा था क्योंकि एज ऐसी थी कि उस टाइम बालों की सबको जरूरत होती है। एक ऐसा यूथ वाली एज है, 24-25 की एज थी मेरी 2017-11 जुलाई में। और ये शूट हमने मई में शुरुआत किया था, 29 मई को। तो 29 मई की बात यह है, लेकिन बालों से भी प्यार था, भाभी जी घर पर हैं भी मैं करता था अलग अलग किरदारों में। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये भी राय थी कि भाई बाहर दूसरी जगह कैसे काम करोगे। तो मेरी शुरू से आग थी कि मैं इधर भी काम करूं, उधर भी करूं, मतलब ऑडियंस को किसी भी रूप में अलग अलग किरदार में हंसाऊं। हंसाने की एक आग थी अंदर से। तो मैं जब नाई की दुकान पे पहुंचा तो मैंने सारे बाल उतार लिए और मैंने बोला उसको पन्नी में दे देना। मेरे मन में था इसका मैं वीक बनवा लूंगा, तो जब तेनालीरामा करूंगा तो उसको उतार दूंगा और तेनालीरामा कंप्लीट करूंगा। जब भी शूट कंप्लीट है घर जाऊंगा, जब जिस दिन गैप होगा उस दिन कहीं और शूट करूंगा, तो मैं वीक पहन लूंगा। तो इस खुशी में मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 साल तक वो बालों को रखा। तेनालीरामा में ज्यादा बिजी रहा तो उस बालों को मैं ले जाकर कहीं वीक की दुकान पर दिखा नहीं पाया कि मैं इसको बनाऊं। लेकिन एक टाइम मिला मुझे, मैं उस वीक को बनवाने के लिए गया, जब वो बाल दिखाए तो वीक वाले ने मना कर। बाल होने के बाद कई सारे रिश्ते टूट गए, मेरी शादी की बातें चल रही थी तो लोगों ने कहा यार लड़का गंजा है। पिताजी ने समझाया कि शोज कर रहा है, शोज कंप्लीट होगा तो बाल आ जाएंगे, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता शायद कि हो सकता लड़का गंजा हो। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तेनालीरामा में अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मुझे जहां तक लगता है कि गंजे होने के बाद अगर कला आपकी बॉडी में है और आपका टैलेंट बहुत ही अच्छा है तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती दूसरी जगह काम करने से। मैंने जो भी समय खाली मिला, मैंने भाभी जी में गंजे होने के बाद भी वहां काम किया। वहां के जो मेरे प्रिय डायरेक्टर हैं शशांक बाली जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम ने, अक्षय पाटिल जी ने। और मुझे जब भी मौका मिला, पहले मैंने अपने काम तेनालीरामा को किया और जैसे मौका मिलता था मैं वहां काम करता था। तो उन्होंने मुझे गंजे होने के बाद भी कई साले अलग अलग किरदारों में मुझे काम करने का मौका दिया, चाहे वो सब्जी वाले का किरदार हो, वकील का किरदार हो, न्यूज एंकर का किरदार हो, जॉम्बी का किरदार हो, और ऐसे अनेक बहुत सारे किरदार हैं जो मुझे याद नहीं है। मुझे भाभी जी की टीम ने काम करने का बहुत अच्छे से मौका दिया, और मैं शशांक बाली जी का तहे दिल से, बिनायफर कोहली जी का तहे दिल से, और संजय कोहली जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम का, और साथ ही तेनालीरामा का, कि इन्होंने भी मुझे हर सही समय पे जब खाली वक्त मिला तो मौका दिया कि अब बाहर काम करो। और मैंने एक प्रोमो भी किया था शादी के सियाप्पे का, जो बहुत ही हिट हुआ था। वो मैं बाल्ड लुक में ही हूं और बहुत ही प्यारा प्रोमो शूट हुआ। तो दोस्त यार कहते थे तेरे बाल नहीं आएंगे, कुछ लोगों की राय थी कि अब शायद तुझे 2.5 साल हो गए, क्योंकि हमारे तेनालीरामा को 3 साल होने वाला है, तो अब तो तेरे बाल आएंगे नहीं। कुछ दोस्त या कुछ जानकार, कुछ रिश्तेदारों के कहना था कि शायद अब तेरे बाल आएंगे तो कांटे जैसे आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, दीवालों में छेद हो जाएगा। तो ज्यादा ये बातें नहीं दिल को चुभती थी, वो चुभती थी ज्यादा कि बाल ही नहीं आएंगे। तो कई बार मन दुखता था अंदर ही अंदर कि शायद हो सकता है बाल ना आए मेरे भी। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा मौका मिला घर पे रहने का,
तो उस दौरान मैंने 2-2.5 साल से रेगुलर, लेकिन आपने सुना होगा कि इंसान जब बेड से उठता है तो अपने फोन को टच करता है, देखता है कोई मैसेज तो नहीं, बहुत ज्यादा फोन को टच नहीं करता तो ब्रश ले लेता है। मैं एक ऐसा एक्टर हूं तेनालीरामा, जब से कर रहा हूं सुबह उठते ही मैं सबसे पहले शेविंग क्रीम लेता था और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक रेगुलर 2.5 साल से खुद बनाता था। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में बंदा आता था शेविंग करने वाला, अस्तूरे से करता था तो कट लग जाता था, कई बार ब्लीडिंग हो जाती थी तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी। तो किसी ने राय दी कि खुद करो, तो धीरे धीरे मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया शेविंग क्रीम से और फोम लगाकर। तो मेरे को एक आदत सी बन गई, तो मैं जैसे उठता मेरे हाथ में रेजर होता और मैं रेगुलर ही दिल से चीज को क्लीन करके बाल्ट करके शेव करके और मैं शूट पे पहुंच जाता था। बहुत ज्यादा फोन को टच नहीं करता तो ब्रश ले लेता है। मैं एक ऐसा एक्टर हूं तेनालीरामा, जब से कर रहा हूं सुबह उठते ही मैं सबसे पहले शेविंग क्रीम लेता था और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक रेगुलर 2.5 साल से खुद बनाता था। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में बंदा आता था शेविंग करने वाला, अस्तूरे से करता था तो कट लग जाता था, कई बार ब्लीडिंग हो जाती थी तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी। तो किसी ने राय दी कि खुद करो, तो धीरे धीरे मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया शेविंग क्रीम से और फोम लगाकर। तो मेरे को एक आदत सी बन गई, तो मैं जैसे उठता मेरे हाथ में रेजर होता और मैं रेगुलर ही दिल से चीज को क्लीन करके बाल्ट करके शेव करके और मैं शूट पे पहुंच जाता था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, ये जो महामारी है, इससे बहुत जल्दी बाहर आएंगे और अच्छे से लोगों को एंजॉय कराएंगे और लोग भी एंजॉय करेंगे, लेकिन इस दौरान मेरे थोड़े से बाल आ गए, थोड़े क्या आ ही गए, हाँ कुछ बाल सफेद जरूर हो गए क्योंकि हम हमेशा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है कोई भी चीज का अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं तो नुकसानदायक भी होती है। लेकिन काम करना है, काम की एक आग है। अभी आप मेरा एक डिफरेंट लुक देख रहे हैं कि मेरे बाल आ गए हैं, देख लीजिए बियर्ड भी आ गई है और ये देखिए बाल आ गए, ये थोड़े छोटे भी करा दिए मैंने, तो मुझे इसमें भी बहुत मजा आ रहा है। ये डिफरेंट लुक है, जैसे मैं एंकरिंग करता था पहले, अभी भी करता हूं, तो उसके लिए मुझे लगता है या कोई और किरदार मुझे मिले क्राइम शोज में, मुझे मौका मिले विदाउट कॉमेडी के, मुझे मौका मिले काम करने का या अलग किरदार में, तो मैं इस लुक में भी काम करना चाहूंगा। लेकिन अभी मैं तेनालीरामा कर रहा हूं तो तेनालीरामा के लिए हाजिर हूं, जो मैंने पीड़ा उठाया है काम करने का मनी के रूप में, क्योंकि मनी को मैं बहुत मिस करता हूं। मनी कैसा करेक्टर है, शायद दोबारा ऐसा करेक्टर मुझे नहीं मिलेगा काम करने को, मनी बिल्कुल इसके जैसा मिल सकता है, इससे और अच्छा मिल सकता है, लेकिन मनी जो है अपने आप में दमदार करेक्टर है, लोगों को हंसाता है, पीछे से उनकी चुंगली करता है, उस चुंगली में एक फन है। और गंजे होकर डिफरेंट कपड़े पहनना, उस एज में गंजा होना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसे बखूबी इंजॉय कर रहा हूं इस कैरेक्टर को, और फिर से मौका मिलेगा तो मैं एकदम से बाल उतार दूंगा और मनी के रूप में सबके बीच नजर आ जाऊंगा। लेकिन एक इच्छा ये हमेशा रहेगी मेरी कि मैं इस लुक में भी एक डिफरेंट लुक है, देखिए ये लगाने पर, मैंने ये सारा कुछ पहली बार अपनी लाइफ में किया है, क्लीन शेप बाल तो हमेशा रहे लेकिन ये लुक मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो इस लुक में मैं वेब सीरीज या कुछ भी ऑडियंस के लिए मैं काम करना चाहूं तो मैं जल्दी करके आप सबके बीच आऊंगा।